विभा रानी तने क्या तो आओ माई, आपको कुछ चाहिए? ना हमको कछु नहीं चाहिए, घर का काम का छोड़ के जरा हमरा बात सुन। हम बहुत दिन से देख रहे हैं तो बहुत ही परेशान परेशान रह रही है, क्या बात है? नहीं माई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ना कोनो बात तो जरूर है जो तू हमका बताना चाह रही है पर बता नहीं पा रही, बोल का बात है? नहीं माई, सच में कोई बात नहीं है। रानी हम तोरा सास हैं, काहे हमसे इतना डरी डरी रहती हो रे? ई घर माँ हमरा पीठ पीछे कछु तो चल रहा है। नहीं माई, कुछ नहीं चल रहा है, सब ठीक है। ना सब कुछ तो ठीक ना है विभा रानी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। वो दरअसल बात ये है कि क्या बात है विभा, बोल हमका। अबे बाबू। अबे बाबू का? अबे बाबू और कनिका दीदी। का कनिका? कनिका दीदी और वो। अरे भाई, हम स्कूल का काम जोर शोर से चालू कर दिए हैं। वो इमारत बनने में जो भी खर्चा आएगा उसका पूरा हिसाब किताब ठेकेदार लोगन से ले लिए। ये देखिए फाइल। आपको तो अब रत्ती भर भी चिंता करने का जरूरत नहीं है, इमारत बनने से लेके स्कूल शुरू होने तक हम सब कुछ संभाल लेंगे। दामाद बाबू से मंजूरी ले लिए का? माई वो तो दिल्ली में है। एक बात सुन रंजन, कौनो काम करे का पहले दामाद बाबू का मंजूरी लेना जरूरी है। अब जा, पुल का इमारत का ठेका किसको देना है किसको नहीं, ये बात का फैसला दामाद बाबू ही करेंगे। दादी माँ के लिए गुनगुना पानी ले आइए, और गोपी मैंने माँ जी के लिए चटनी बनाई है, वो फ्रिज पर रखिए और उसे ले आओ। छोटी बहू, देव नहीं आया? वो देव नहीं अभय। और अभय खाने के लिए आ रहे। कनिका जी, दादी माँ से बात कर। बिरजू, रहने दे बेटा। छोटी बहू खाना खाने बैठो। छोटी बहू यहाँ। दीपू यहाँ मेरे पास बैठो। नहीं, मैं राधिका वासी के पास ही बैठूंगा।
कहाँ छुटके, कैसन हो? भैया मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या हुआ, काहे इतना परेशान हो भाई? भैया परेशानी वाली बात तो है ही ना, यहाँ सिर्फ राधिका ही नहीं उसका पूरा का पूरा परिवार अभय की याददाश्त वापस लाने में लगा हुआ है। भैया मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। भैया माई से कहिए ना कि हमें आगरा वापस बुला ले। किसका फोन है? मैं उस चुटकी का। ला दे तो। हाँ कनिका क्या बात है? कुछ नहीं माई। दामाद बाबू कैसन है, कहाँ है हूँ? वो बिल्कुल ठीक है माई, वो फिलहाल यहाँ नहीं है। कनिका सुन, दामाद बाबू का ध्यान रखना, जो काम का वास्ते वहाँ गए हैं तोरा बचा से वो काम में कोनो बाधा नहीं होनी चाहिए, समझी? जी जी माई समझ गई। का मैं हमरा फोन घंटों ऐसे मेरे पास बैठे बैठे अपने दिल की बात कहा करता था, जो बात वो किसी और से नहीं करता था, सिर्फ मुझसे। कहाँ जा रही है छोटी बहू? दादी माँ काना के वस्त्रों में गोटा लगाना है। तो बेटा यहीं ले आना, यहीं बैठ के बना ले। जी। देव अक्सर वृंदावन जाया करता था राधिका से मिलने, और वहां से लौटने के बाद राधिका से मुलाकात की बातें मुझे सुनाता था, सब कुछ कहता था। न देव अपनी दादी से दूर रह सकता था और न दादी को देव को देखे बिना चैन आता था। संभाली लोगों के लिए चाय लेकर आऊं? तेरा काम हो गया? जी दादी माँ। तो एक काम करना, ये जाके देव को दिखा क्या? पहले भी तो तू उसी से सलाह लेती थी ना? जी। जानती हो बहू, मुझे ये कनिका है ना, फूटी आंख नहीं सुहाती। देखा था तुमने कितनी बदतमीज है, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं उसमें। हाँ माँ जी सो तो है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमें कुछ तो करना पड़ेगा जिससे देव और राधिका ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताएं। लेकिन माँ जी इस कनिका के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? तुम देखती जाओ, कल मैं उन दोनों को ऐसे करीब लाऊंगी कि वो कनिका भी कुछ नहीं कर पाएगी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।